मैं अजीत झा क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ओ हेलो, क्या सुबह हुआ ना, एक बस फोन में घुस गए। किसे चैट कर रहा? अच्छा जी, जो बस वो ऐसा ही। हाँ बेटा, बनो मत समझे। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, उसका प्रिंसिपल रह चुका हूँ। देखा, फोटो दिखा दीदी को, मत बताना। हाँ ठीक है, दिखा दे। कैसी लगी? अरे यार अच्छे हंसते यार, लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा इसके साथ। एक कहावत, चलने वाले लोग ना चलते रहे, दिन रात ना तुम्हारे साले से चैट करते रहते, बात करते कुछ होने वाला नहीं। हाँ तो सिर्फ चैटिंग ही करेगी। अच्छा सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके साथ मेरी सेटिंग करवा देना यार। तुम्हारी बहन वो बात है नहीं। नहीं ना, सेटिंग इसके साथ। हाँ नंबर वन एक मिनट। दीदी, मैं मजाक कर रहा था भाई। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि चिकन मटन मंगा यार। जीजा इतना दिन के बाद तुम्हारे घर पे है, उसको क्या घास फूस खिला रहा है तू लोग? अपना जीजू, मेरे मुँह की बात छीन है ना। बहुत दिन से मेरा भी मन कर रहा था नॉनवेज खाऊं कुछ, अब आपके बहाने मैं भी अपना चिकन लूंगा। तू ले गया? यूं गया, यूं लेकर आ जी। ओके सुन, छोटी मुर्गी काटना सॉफ्ट होता ना, मुझे पता है। ओके जल्दी जल्दी से आना। प्रोटीन ना चिकन में जितना होता है ना, किसी में नहीं होता है। बॉडी शॉडी बना रहा है यार, आज तो लेग पीस कलेजी मजा आ जाएगा। यस अजीत, कहाँ हो यार, जल्दी आओ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी सर्व करो यार, बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे भी ना बहुत भूख लगी है दीदी। जीजू आप ना ये चिकन चख के देखो, एक बार खाओगे ना उंगलियां चाटते रह जाओगे। माँ ना चिकन बहुत अच्छा बनाती है। वाह क्या खुशबू है। पिंकी हमेशा कहती रहती है आज खा के भी देख लूंगा। हाँ और तुम्हें तो कभी बिलीव हुआ नहीं होगा, तो तुम एक काम करो, आज पेट भर के ना तसल्ली कर ही लो, थोड़ा और चिकन। अरे पूछ क्या रही हो, दो ना। अरे आने नहीं, अभी पहले दीदी आराम आराम से मजे लेके खाने दो। मुझे भी एक। दामाजी ये क्या कर रहे हैं चैनल बदल के? पिंकी तुम कितनी बदमाश हो ना। माना कि दामाद जी को याद नहीं रहा कि अगले 10 दिन तक उनको नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन तुम्हें तो याद रखना चाहिए ना चैनल बदल के। अरे लेकिन क्यों? Why? अजीत वो तुम्हारे दूर के उसके चाचा जी गुजर गए थे ना, आज सुबह ही फोन आया था। दूर के रिश्ते ना। Oh shit 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 shit, हाँ यार, I'm gonna forget that. थैंक यू मम्मी जी, वो क्या चाचा जी गुजर गए ना, अच्छा कि आपने बचा लिया, नहीं तो आज तो। हाँ ये लीजिए, आपके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया है हमने। देखिए ना शाकाहारी भोजन में जो मजा है वो थोड़ी ना नॉनवेज में। ये लीजिए खाइए चैनल बदल के। पिंकी जरा मेरे प्लेट में कलेजी तो डाल। मम्मी। हाँ बेटा। क्या टेस्टी चिकन बनाया आपने, और इतना अच्छे से गल भी गया, सॉफ्ट हो गया ना। मतलब अगर मैरिनेट करके रख दो ना, उसका टेस्ट तो बॉस क्या हो जाता है। है ना जी? दीदी इसे कहते हैं मम्मी के हाथ का मैजिक। और दो ना थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा। May I know if I may, कि कौन सा चाचा मर गया मेरा? अरे वो समझाती हूँ। Please, please. देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें वो पूजा पाठ वाला ड्रामा खत्म करना है, तो उसी ड्रामे को खत्म करने के लिए मैंने आज सुबह मम्मी जी से झूठ बोला कि तुम्हारा दूर का रिश्तेदार मर गया, गुजर गया है, और तुम 10 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। Wow, what a plan, है ना? अरे कुछ और बहाना बना सकती थी ना, जब देखो मेरे रिश्तेदार को मारती रहती हो। यार I'm sorry, लेकिन मुझे उस वक्त कोई और बहाना स्ट्राइक ही नहीं किया। मुझे क्या पता था कि मेरे इस बहाने से तुम्हारा नॉनवेज मन हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे जब भी नॉनवेज खाने का मन हुआ तो बाहर घूमने जाएंगे और नॉनवेज खा के आएंगे, क्या बोलते? हाँ ठीक है ठीक है, चलो तुम्हारे इस बहाने की वजह से ये पूजा पाठ का नाटक तो छूटा ना। सुनो ना, क्यों पनिशमेंट है? बड़े आए पनिशमेंट वाले, बोलो
कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे एक दो ना यार, जब से आई हो मम्मी से चिपकी हुई है। लाख लाख शुक्र है कि आप जैसा पति मेरी पिंकी को मिला है दामाद जी चैनल बनर के। मम्मी आप इसको मत चढ़ाओ, आपको पता नहीं है ये बहुत बड़ा बदमाश है। चुप कर, लाखों में एक है हमारे दामाद जी। बस अब मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे हर्ष को भी एक अच्छी सी लड़की मिल जाए चैनल बदल के। बस इसको एक लड़की मिल जाए वही काम। कुछ कहा दामाद जी चैनल बदल के? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी इससे अच्छी लड़की, इतना हैंडसम है। अब क्या है कि कुछ काम कर ले तो क्या है कि लड़का जो है ना वो काम करने वाला होना चाहिए। हैंडसम तो राहुल गांधी भी है ना। वो तो है चैनल बदल के। हाँ मम्मी आप इस पे पूरा ध्यान रखो, दिन भर फोन पे लगा रहता है, क्या पता क्या देखता रहता है। जिम्मेदारी नाम का तो उसको एहसास ही नहीं है। पापा कब तक दुबई में जॉब करेंगे बोल जरा। अरे दीदी अब तुम शुरू मत हो जाओ। एक दिन देखना तुम्हारा भाई ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वैसे भी छोड़ो ना ये सब बात, तुम लोग इतने दिन बाद आए हो, हम लोग कुछ एक्साइटिंग करते ना। भाई मैं तो रेडी हूँ, लेकिन तुम अपने जरा बोरिंग जीजू है ना उनसे जरा पूछ लो, क्योंकि उनके डिक्शनरी में घूमने फिरने का मतलब होता है टीवी देखना, खाना खाना और सो जाना। कुछ कुछ अच्छा देखो मैं आया हूँ ना तुम लोग के घर में, मैं आया हूँ ना, तुम लोग प्लान बनाओ ना। ओके में देनी प्लान। अरे भाई अच्छा ठीक है दीदी, हम दोनों मिलके कुछ प्लान करते हैं। ओके डन। अच्छा ठीक है अब तुम दोनों मिलके प्लान बनाओ, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट चैनल बदल के। नींद आ रही है यार, सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। प्लान ये बना रहे और घबराहट मुझे हो रही है, पर हो भी क्यों ना, अभी तो कुछ अच्छा हुआ है क्या? और उम्मीद रखना भी मत क्योंकि प्लान बीवी बना रही। मुस्कुराइए जीजा जी, आप ससुराल में हैं। And for more videos, keep watching Web Dhamaka TV. Actions. वाह क्या खुशबू है, और पिंकी के मुंह से हमेशा सॉरी। हाँ चैनल बदल के, पिंकी तुम कितनी बदमाश हो ना। एक्शन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऐसी दामाद मिले। ऐसी नहीं ऐसे लाख लाख। बस छोटा मोटा काम कर ले, क्या है ना कि हैंडसम लड़का तो ठीक है लेकिन लड़का काम वाला होना चाहिए ना। हैंडसम तो राहुल गांधी भी है। हाँ वो तो है चैनल बदल के। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अरे सुनती हो, जरा बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ अभी। पापा कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा घर में बैठे बैठे बोर हो गया, जरा दोस्तों से मिलकर आता हूँ। अरे देखो मास्क भी लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा तो चलो मैं भी मेरे दोस्तों से मिल के आता हूँ। चलो चलो चलो। एक मिनट, तुम क्यों बाहर जाओगे? पता है ना कि बाहर कोरोना का डर है। कोरोना का डर सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। मेरे लिए भी बेटा सॉरी। ये लो रिमोट और अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखो। यस बॉस। थोड़ा नाटक करना पड़ता है क्योंकि कोरोना को हराना है। और वॉच योर डैड।